वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हमारा और आपका साथ रहेगा जी 10 बजे तक। जब हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में नए दोस्त जो है उनको आपसे मुतारफ कराया जाए और कुछ हमारे रेगुलर जो कॉन्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी हम फीचर्स के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूपोर्ट वेल्स से पादरी महबूब अलाही साहब, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप जी? खुदा उनका बड़ा शुक्र है। यू आर लुकिंग सो फ्रेश। शुक्र अदा करते हैं आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए कि आप बाकायदगी के साथ आजकल खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटते हैं और हमें भी इंतजार होता है। तो खुदा उनका शुक्र हो नए दोस्तों के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी और आपकी मेहरबानी के लिए, प्यार के लिए। तो अजीजो आइए हम खुदा उनके पाक कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो जबूर 108 की चंद आयात जो है वो मैं आपके साथ बांटूंगा, पहली आयत से लेकर पांचवी आयत तक। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए, साम 108। आए खुदा, मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आए खुदावन, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा, तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदा उनके झुके और दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त करूंगा पद्मी रूप सबसे कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। आइए हम अपने सर खुदा अपने खुदा के हजूर झुकाएंगे जो कि हमारा बनाने वाला है, क्रिएटर है, जिसने हमें इसीलिए पैदा किया कि हम उसकी सिताइश करें, उसकी प्रेज करें, उसकी वर्शिप करें, उसके साथ फेलोशिप करें। हालेलुया। जलाल से बड़े जिंदा जलाल आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हम तेरी सिताइश करते हैं और तेरे कदमों में आते हैं। आज का दिन खुदावंद हम सब के लिए मुबारक ठहरे। जितने भी खुदावंद इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर हैं या किसी दूसरे चैनल से देख रहे हैं, मैं खुदावंद उन सबको तेरे लहू में छुपाता हूँ। हमारे दिल दिमाग को खोल दे ताकि खुदावंद आज की प्रस्तुश, आज का गाना बजाना, प्रस्तुश करना खुदावंद तेरे हजूर खुशबू की महंद पहुंचे। और हे खुदावंद हमारे दिलों को खोल ताकि हम तेरे कलाम को पूरे तौर पर समझ सकें, उस पर अमल कर सकें। भाई साहब के लिए भी दुआ करता हूँ और खुदावंद तेरे खादम को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ। खुदावंद उसे आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते रहें, तुझ में बढ़ते रहें, तुझ में तामीर होते रहें और तुझ में बने रहें और चलते रहें। यीशु के नाम से खुदावंद ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त हुआ जाते जी खुदावंद की हम्द और सना का। और मैं एक चीज के लिए खुदावंद का बड़ा ही शुक्रगुजार था कल भी जब प्रोग्राम हम कर रहे थे कि भाई साहब देखें खुदावंद कैसे हमारी हदों को जो है वो बढ़ा रहा है। आप देख रहे थे कि कनाडा से, पाकिस्तान से, मलेशिया, मस्कत और सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक से लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। टाइमिंग मैं कनाडा वालों के लिए सोच रहा था कि वनकूवर और टोरंटो में जो लोग हैं, एडमिंटन में, कि वहां पर रात के 2 बजे हुए थे और लोग जो हैं वो प्रोग्राम को देख रहे थे। ना सिर्फ देख रहे बल्कि उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। इस तरह पाकिस्तान में दोपहर का वक्त है, 1 से लेकर 2 बजे तक वहां पर एक प्रोग्राम होता है, मुख्तलिफ तकनीशी होता है। खुदा का शुक्र हो हम पाक कलाम सुनने के लिए अभी तैयार हैं। खुदा का शुक्र हो खुदा उनके जिंदा, खूबसूरत, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा उनके खादम के लिए जो कि इस वक्त खुदा उनके मुंह की बातें हम तक पहुंचाने को हैं, पास्टर महबूब अलाही, जिनका तलक न्यूपोर्ट से है और एक अरसा से वो इस खिदमत में सरगर्म अमल है। और ना सिर्फ ये कि वे एक अच्छे एवेंजलिस्ट हैं, बड़े अच्छे बाइबल के उस्ताद भी हैं, टीचर हैं,
हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए हम आज सबके लिए दुआ करें और आप सबके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ताकि खुदावन आपको आज के इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। तो आइए खुदावन के जुड़ चुके हैं और दुआ मांगे खुदावन के खादम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तू अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा है जो बेहद तारीफ हम्द और स्ताइश के लायक है। हजारों हजार फिश्तगान तुझे कदूस 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 पुकारते हैं। खुदावन कौमें कबीले तमाम उम्मतें तेरे सामने खड़ी होंगी और ऐ प्यारे खुदावन तेरी तारीफ करेंगी, तेरी स्ताइश करेंगे। तू तमाम लोगों को जमा करेगा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू नामुमकिनात का खुदा है। खुदावन तूने ये मुमकिन किया कि प्यारे खुदावन तेरा कलाम इस माध्यम से बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए लोगों तक पहुंचे, तेरे खादमों के लिए जो कि तेरे मुंह की बातें लोग तक लेकर आते हैं, पहुंचाते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन इस वक्त दुआ करते हैं पास्टर महबूब साहब के लिए, क्या खुदावन तो अपने बंदा के साथ होना, अपने पाक रूह से मामूर करना, बड़ी बरकत देना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरे लोग जहां जहां भी इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा है, खुदावन तेरे लहू की बाढ़ उनके चौगिर्द चाहते हैं, तेरे फरिश्ते उनके घरों के चौगिर्द रहें और कोई भी शैतानी कुव्वत उन्हें छूने ना पाए। दीगर ममालिक में जो लोग हैं खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मलेशिया से, कनाडा से, अमेरिका से, जहां कहीं भी पाकिस्तान में, इंडिया में लोग बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इबादत का हिस्सा है, उन सब पर तेरा दाना हाथ रहे। खुदावन तमाम अबलीसी कुव्वतों को तेरे यस्सु नाम में बांध देते हैं, बड़ी बरकत देना यस्सु के बाबरकत नाम में। आमीन। अजीजों, मैंने जैसे कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पे रूहानी नज्म ज़ब्त पर सिलसिला जो सीरीज शुरू की, तो आज हम जादू और मंत्र के बारे में सीखेंगे कि जो मसीही हैं उनका रवैया जो है वो क्या है और हमें कैसे अपनी जिंदगी को बसर करना है। तो हो सकता है कि ये सिलसिला जो है वो दो हिस्सों में हम इसको बांटें क्योंकि इट्स वेरी सीरियस स्टडी। तो आइए बढ़ते हैं खुदा के खादम की जानिब। सब ओवर टू यू, आप जो भी खुदावन ने आपको कलाम दिया है उसको आप हमारे साथ बांटिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका और तमाम अपने व्यूअर्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो मुस्लिम मालिक से हमारे साथ हैं और बाइबल को वो सीखना चाहते हैं। हम इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि आज भाई साहब ने जो मुझे करवाया कि आज हम भाई साहब से जादू मंत्र के हवाले से सीखेंगे, तो बेसिकली वी नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग जादू मंत्र। तो बेसिकली हम बाइबल में से देखेंगे कि एक्चुअली खुदा जो है वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता और कुछ बातें जो हैं वो सीखेंगे इसके हवाले से। जैसा कि भाई साहब ने पहले बताया कि आज हमारे पास जो वक्त है वो तकरीबन थोड़ा ही होता है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो टीचिंग के लिए वक्त ज़्यादा चाहिए होता है। बट एनी वे विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्चुअली कवर एवरीथिंग एज मच वी कैन। अगर नहीं हुआ तो फिर अगली स्टडी में इसको हम शामिल कर लेंगे। हालेलुया। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि हम जो सीख रहे हैं वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पार्ट फोर, जो है वो आज आपके सामने है, जिसमें क्रिश्चियन एंड मैजिक स्पेल्स जो है इसकी बात की जाएगी कि जो हमारे लोग हैं वो इस बारे में काफ़ी हद तक कंफ्यूज नज़र आते हैं, क्योंकि जो हमारे चर्चेज हैं उसमें जब हम ये बातें देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि लोग किस डिढ़ाई के साथ जो है वो शैतान के मिशन को कैरी किए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि हम आज की जो चंद बातें मैं बताता चलूं कि हम सीखेंगे क्या, तो पहली बात में देखेंगे मसीही तालीम जो है इसके बारे में क्या है। पहली बात ये आपने याद रखना है, पहली बात हमने क्या सीखनी है, मसीही तालीम इसके बारे में क्या कहती है। फिर हमारे जो मौजूदा लोग हैं, लोगों का किरदार जो है कलीसियाओं में वो कैसा है। और तीसरी बात जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि एक्चुअली हमें एज ए बिलीवर क्या करना चाहिए। अगर ये बिदात या ऐसी बातें जो हैं वो हमारे दरमियान पाई जाती हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये तीन बातें जो हैं इनको आप जहन में रखना है कि इन पर हमने गौर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मसीही तालीम क्या है।
तो इसमें हम सबसे पहले हम यीशु मसीह की जो जिंदगी है उससे सीखेंगे, उससे सीखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं मरकुस की इंजील, उसका जो पहला बाब है और उसमें चलेंगे, उसकी 21वीं आयत जो है उसमें हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि तीन तरह की रूहों का जिक्र जो है वो आम मिलता है हमें, जिनमें बदरू है और नपाक रूह है और बुरी रूह है। अब इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ये लोग समझते हैं कि शायद इसमें शैतान घुसाया है या ये कोई शैतान की भेजी हुई कोई चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि जो शैतान है उसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाने वाला। तो ये इल्ज़ाम लगाने वाली रूह नहीं है, ये बजाते खुद शैतान नहीं है। शैतान जो है वो एक वाहिद है, फिर वाहिद में आता है बाइबल मुकद्दस में, कभी भी शैतानों का जिक्र नहीं आता, क्योंकि शैतान जो खुदा ने एक ही बनाया था, वो एक ही फरिश्ता था जिसके बारे में आई थिंक भाई साहब पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि शैतान जो है वो है कौन। तो शैतान जो है ये एक्चुअली बदरू नहीं है, शैतान जो है ये बुरी रूह नहीं है, शैतान जो है ये नपाक रूह नहीं है और ना ही ये बदरू है, ये शैतान है और ये ऑपरेट करता है एक्चुअली इस दुनिया में। तो इसको हम देखेंगे, ये तीन तरह की जो रूहें हैं इनका जिक्र जो है हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। पहली है बदरू, बदरू जो है इसका काम हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नपाक रूह जो है वो क्या करती है और इसके साथ साथ जो है बुरी रूह क्या करती है। बुरी रूह जो है ये आम तौर पर हमने चर्चेस में देखा है कि ये जो लोगों को बुराई की तरफ जो है वो माइल करती है, लोगों को जो है वो बेसिकली जो दूसरी तरह की जो डिजायर्स होती हैं उनमें पैदा करती हैं और वो इस तरह से जो लोग हैं वो गुनाह में गिर जाते हैं। ये बुरी रूह जो है ये इसकी पिक्चर कुछ आई है। नपाक रूह जो है ये एक्चुअली नपाकी के कामों की रूह है। हमने ये देखा है कि एक्चुअली इतना टाइम नहीं है हमारे पास आज कि हम ये सारी चीज़ें कवर करें, लेकिन आने वाली स्टडी में मैं ज़रूर इन बातों का जिक्र करूंगा, नपाक रूह का, बुरी रूह का, बद रूह का, ताकि हम इसको डिफाइन कर सकें कि ये कलीसियाओं में काम कैसे करती हैं। अब देखिए कलीसिया में सारे लोग एक जैसे, सारे बुरे नहीं होते, सारे नपाक नहीं होते और ना ही जो वो बदी से लदे होते हैं। जो बदरू होती है ये बदी की तरफ माइल करती है, नपाक रूह या नपाकी की रूह है और बुरी रूह जो है ये तंग करती है। हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में एक नबी था उसको बुरी रूह तंग किया करती थी, तो ये तंग करने वाली रूह है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुब्तला हैं और इससे पोसेस्ड हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि हम अगर किसी भी शोबे में नाकाम हो गए, बिजनेस में नाकाम हो गए हैं और अगर किसी काम में या औलाद लेने में नाकाम हो गए हैं या किसी भी चीज में नाकामी पाई जाती है, तो लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद जो लोग मैजिक प्ले करते हैं, शायद वो लोग जो बदरूहों को के कंट्रोल में हैं। ये बात याद रखें कि कोई भी शख्स जो है वो बदरूहों को कंट्रोल नहीं करता, हमेशा ये लोग पोसेस्ड होते हैं, ये बदरूहों के कंट्रोल में होते हैं। जो लोग मैजिक प्ले करते हैं ये बदरूहों की, ये नपाक रूहों की या बुरी रूहों की डिजायर को बजा लाते हैं, उसको पूरा करते हैं और उनको उसके लिए क्लाइंट चाहिए होते हैं और ये अपने मैजिक स्पेल दिखा दिखा कर जो है लोगों को हैरान करके अपनी तरफ माइल करते हैं और उसके बाद फिर उनकी बॉडी पर एंजॉय करते हैं। इसके लिए मैं प्राइम एग्जाम्पल दूंगा जो आपको प्रैक्टिकली तौर पर आपको देखनी पड़ेगी, वो ये है कि बहुत सारे जो खादमुल दीन हैं उनको तो इसके बारे में पता है, जो कि लोग उनके पास आते हैं बाज़ दफ़ा शेयर करते हैं, लेकिन आम तौर पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। नपाक रूह, नपाक रूह क्या करती है कि ये जब आप सोए होते हैं ये ख्वाब में आकर आपकी बॉडी को टच करती है, आपके मुख्तलिफ हिस्सों को टच करती है, आपकी बॉडी पर इंजॉय करती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जाग रहे होते हैं, आप जाग रहे होते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और आप मूव करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं, आपके ऊपर कहते हैं दबाव हो जाता है। जब वो दबाव हो जाता है तो आपकी बॉडी पर जो नपाक रूह है वो एंजॉय करती है, वो अपनी बॉडी को एंजॉय करती है। जैसे हस्बैंड जो है वो वाइफ को एंजॉय करता है, वाइफ हस्बैंड को एंजॉय करती है, इसी तरह ये जो नपाक रूहें हैं ये आपके बदन पर एंजॉय करती हैं, ये उनके लिए एंजॉयमेंट है। और ये होता क्यों है, चूंकि इसलिए कि इसकी
बुनियाद जो है वो पीछे जब मैंने बताया था कि खरूज की किताब में हमने देखा था, तो कुछ लोग ये कहते हैं जी मैं तो बड़ा दुआ गो हूँ, मैं बड़ा वक्त लगाता हूँ लगाते, फिर भी मेरे ऊपर ये ऐसे रूहें जो हैं शयातीन की जो एजेंट हैं ये क्यों काबज हो जाती हैं और क्यों ऐसा होता है। ये देखिए 4:20 बाब की 4 आयत में लिखा है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। खरूज की किताब में ये ऑलरेडी इसका जिक्र हम कर चुके हैं, किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी ये बात करना, क्योंकि मैं खुदाम तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, जो मुझसे दावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। ये तकरीबन मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ, ये तकरीबन जो है ये तकरीबन 35 से 37 लोग मानते हैं फैमिली में अगर इसको पुश्तों में किया जाए। बट एनीवे, तो जो लोग सफर कर रहे हैं, जो दुआ गो हैं, कलीसिया में हैं, चर्च में आते हैं, वो इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पुश्त में, जिनको आप लगड़दाता पंजाबी में कहते हैं मुझे पता नहीं है, ग्रैंड 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 डैड जिसे कहते हैं, चौथी पुश्त पीछे चले जाए, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअली मूर्तियों की पूजा की होगी, जिन्होंने हो सकता है कई लोग मैजिक प्ले करने वाले हों, यू नेवर नो। तो इसलिए वो असर जो है चौथी पुश्त तक जो है आपकी तरफ आता है, बदला लेने से मना, खुदा आपसे अलग हो जाता है, यही खुदा का बदला है, वो इंसान से अलग हो जाता है, वो आपको रोज आके मारता नहीं है डंडे के साथ कि खुदा आया जी रोज बदला ले रहा है मारने आया है, ऐसा नहीं है, वो अलग हो जाता है, लैदगी इख्तियार करता है और वो क्या करता है कि आपको जो है वो ऐसी सिचुएशन में दे देता है कि आप कर ले जो करना है, और वो सजा जो है वो आपके ऊपर कायम रहती है। आगे हम बढ़ते हैं कि हम बात कर रहे थे कि मसीही तालीम जो है वो क्या है, और मसीही तालीम कौन है जो इससे वाकिफ नहीं है। लोग जो हैं इस बात का सम टाइम लाइल्मी का इजहार कर, जी हमें तो पता ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है, हर शख्स को पता है कि जो लोग क्रिस्टल बॉल प्ले करते हैं ये उसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, तोतों के पास जाते हैं जो फाइल निकालने के लिए, हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है बिब्लिकल नहीं है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये बिल्कुल बोगस हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है और कभी भी मसीहत इसको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बातें करना गुनाह है, क्योंकि खुदा ने इन बातों से मना किया है। हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं मसीही तालीम की तरफ के मसीही तालीम आखिर है क्या। मरकज की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत में फिर देखते हैं कि फिर वो कुफर नहूम में दाखिल हुआ कौन, यानी यीशु मसीह, और फिर फोर सब्बत के दिन अबात खाना में जाकर तालीम देने लगा। यीशु मसीह की बात हो रही है, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिर फौरन के अबात खाना में एक शख्स मिला जिसमें नपाक रूह थी, एक शख्स मिला जिसमें नपाक रूह थी। इसको मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा ताकि मुझे दोबारा फिर इसके ऊपर बात ना करनी पड़े। इसमें कौन सी रूह थी जी, नपाक रूह थी, ये याद रखना, इसमें नपाक रूह थी। और ये शख्स कहां पर था, ये शख्स उसने अबादत खाना में मिला। आज भी बहुत सारे चर्चेस में जब हम विजिट करते हैं तो वहां पर लोग हम नपाक रूहों से पोसेस्ड हैं, लेकिन चूंकि वो एंजॉय कर रही होती हैं, बाज दफा वो खादमों की बॉडी को भी एंजॉय कर रही होती हैं और बाज दफा वो मैन एंड वोमेन दोनों के ऊपर एंजॉय कर रही होती हैं, इसलिए वहां खुदा का काम जो है वो रुका होता है। और मैं आगे चल के बयान करूंगा कि खुदा का काम क्यों रुका हुआ है, इसकी खास वजह है। इसलिए कलीसियाओं में ऐसे लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ये शख्स इबादत खाना में था और बकायदा तौर पे वहां दुआ करने के लिए आता था, बकायदा तौर पर ये इबादत खाने में उनका ये मेंबर था और वहां पर ये मौजूद था, और यीशु वहां पर आता है और उसमें नपाक रूह थी। क्या पहले कभी वो नपाक रूह नहीं बोली? पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जितने भी नबी आए हैं उनमें हमने, शायद मैं गलत हूं, मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी पढ़ा हो कि किसी नबी ने बदरूहों को निकाला हो या इस तरह की बात की हो जिस तरह से यीशु मसीह करता था, क्योंकि ये उनके लिए नई तालीम थी। फिर कहते वो यूं कहकर चलाया, अब वो शख्स जो था जिसमें नपाक रूह थी, आए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, सवाल किया गया, यीशु से सवाल करता है कि
हमें जो है वो तुझसे क्या काम। यहां पर हम ये देखते हैं कि शैतान के लिए मैंने बताया कि वाहिद वो फिल वाहिद है, शैतान एक ही है, लेकिन यहां पर जो बदरूहे हैं ये अपने आप को क्या कहती हैं, लिखें गौर से, आए यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम। यानी हमें से मुराद ये कि वो जमा में है, वो लश्कर में है। जब भी हम चर्चेज में विजिट करते हैं देखते हैं तो हमें वहां पर लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनमें नपाक रूह, बद रूह और जो है वो बुरी रूह पाई जाती है, और वो हमें कहकर जो है वो यहाँ पर यीशु से मुखातिब है कि हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको जमा में क्या तू हमको हलाक करने आया है, वो सवाल करता है जो वो जो शख्स है। अब हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस शख्स से हम कलाम होता है तो उसमें बोलने वाली बुरी रूह है, बद रूह है, नपाक रूह है, क्योंकि वो लश्कर है, उसमें हर किस्म की रूहें पाई जाती हैं, और वो शख्स बदरू नहीं है या वो नपाक रूह नहीं है, उसमें जो है वो नपाक रूह है, बद रूह है, और इस तरह से हम आगे चलते हैं बढ़ते हैं देखते हैं। लेकिन तुझे मैं कहते मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, अब एक बदरू उसमें से बोली है या नपाक रूह बोली, कहते मैं तुझे जानता हूं, उनमें से एक जो है वो बोल रहा है खुदा से कलाम कर रहा है, लिखा है तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु को बदरूहें पहचानती, बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, आई डोंट नो कि वो अपने आप को मसीही क्यों कहते हैं, कि अगर आप शैतान या बदरू नपाक रूह बदरू ऐसी रूहों पर यकीन नहीं करते तो फिर मसीह जो है वो किन लोगों में मनादी करता था, क्योंकि बदरूहें निकालना मनादी का हिस्सा है, बदरूहें निकालना खुशखबरी फैलाने का हिस्सा है, बदरूहें निकालना जो है ये हमारी प्रीचिंग का हिस्सा है जो चर्चेज में से स्किप कर दिया गया है, ये होना नहीं चाहिए था। बाकी चीजों को हमने कैरी ऑन किया है और इस बात को हमने मेजोरिटी में जो चर्चेज हैं उसको बिल्कुल अमल नहीं करते, उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा, बस वो नपाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई, यीशु मसीह ने उसको निकाला, और सब लोग हैरान हुए। उनकी हैरानगी की वजह क्या थी, उनकी हैरानगी की वजह ये थी, वो आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, हमने तो ये बातें कभी ना सुनी ना देखी, बल्कि हमारी सामने से गुजरी नहीं है, ये तो नई तालीम है। और यही प्रॉब्लम चर्चेस में आती है, जब हमारे चर्च में इस तरह की तालीम दी गई, बदरूहों को निकाला गया। एक दफा का जिक्र है कि हम दुआ कर रहे थे अपने चर्च में, बड़े जोश के साथ हम गा रहे थे, तो एक बहन जो थी वो एक्चुअली हमारे चर्च मेंबर की एक फैमिली थी, वो उनको वो मिलने के लिए सिर्फ विजिट के लिए आई हुई थी, और वो बड़ी दुआ गो और दुआ करने वाली थी, और किसी को ये मालूम नहीं था कि उसमें कोई बुरी रूह है या नपाक रूह है या किस तरह की कोई शैतानी कुव्वत जो है उसमें काम करती है। अब हम दुआ कर रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, दुआ में थे, तो हमने ये देखा कि जब दुआ के दौरान उसने चीखे मारना शुरू कर दी, जब उसने चीखे मारना शुरू की तो एकदम से हमें पता चल गया कि इसमें नपाक रूह है, और फिर दुआ के साथ उसको निकाला गया। तो मेरे अजीजों, ये फिर हमारे ऊपर ये बातें आने लगी, और ये भाई साहब जो है ना ये बड़े पहुंचे, इनके पास लगता है कोई इन्होंने बड़ी को एक्सरसाइज की है, इनके पास शायद कोई जादू है। इसी डर से जो पादरी हजरात हैं वो ऐसी चीजों को स्किप कर जाते हैं ताकि उनके ऊपर इल्जाम ना लगे। मेरे ऊपर लगा, बहुत सारे खादमुद्दीन के ऊपर लगा कि शायद ये कोई मैजिक करते हैं। हम कोई मैजिक नहीं करते, हमारे पास यीशु का नाम है, यीशु का नाम अथॉरिटी है, उसके जरिए से जो है बदरूहें हमारे ताबिया होती हैं, और ये मिनिस्ट्री का प्रीचिंग का हिस्सा है, और वो नपाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता और वो उसका हुक्म मानती हैं, और फिलफौर उसकी शोध गेल की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई, क्योंकि ये खुशखबरी यीशु मसीह ने मनादी शुरू की है। और हमने ये देखा है कि वो हैकल में गया है और वहां उसको एक शख्स मिला है, वहां उसने उसमें से बदरू को निकाला है। फिर हम ये देखते हैं कि जब शाम हो जाती है, शाम को जब सूरज डूब गया, ये 32वीं आयत में डायरेक्ट करे मरकस पहले बाप जो है 32वीं आयत में चलते हैं, जब शाम को
सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए। देखिए ये जहां जहां पर भी अब यीशु की मिनिस्ट्री को टच करेंगे आपको वहां वहां बदरू गिरफ्तार लोग मिलेंगे और यीशु बदरूहों को निकालता हुआ मिलेगा। आज ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस बात को अपने अंदर से निकाल दिया हुआ है। हमने देखा बदरूहें थी उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे जानती थी। हाँ ले लिया। तो हमारे पास टाइम जो है वो कम ही है, जैसा मैंने बताया था कि टाइम जो है वो उसको भी हमने मद्देनजर रखना है और हम ये देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का ये ख्याल है कि जो बदरूहें हैं ये आपको बीमार नहीं कर सकती। मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि जो बदरूहें हैं, क्योंकि जो हीलिंग के बारे में जब मैं बात करूंगा तो उसमें आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों हीलिंग जो है ये दो तरह की होती है, फिजिकल हीलिंग है और स्पिरिचुअल हीलिंग है। स्पिरिचुअल हीलिंग में जो बीमारियां होती हैं उनमें आपको अंधेपन की रूह का जिक्र मिलता है, कुबड़ेपन की रूह का जिक्र मिलता है, बहरी रूह का जिक्र मिलता है, लंगड़ी और गुंगी रूह का जिक्र मिलता है। व्हाट दिस मीन के जो डीमंस आपके अंदर बैठे होते हैं, जो बदरू नपाक रूह बुरी रूह आपके अंदर बैठी होती है वो आपको टॉर्चर भी करती है। जो बुरी रूह है तो आपको टॉर्चर करती है, आपको डिसेबिलिटी देती है, आपके ऊपर फन करती है, आपको बहरा कर सकती है, अंधा कर सकती है, लंगड़ा कर सकती है, तो कुबड़ा कर सकती है और इस तरह इसकी मांग और बहुत सारी बातें हैं जो शायद बाइबल में नहीं लिखी लेकिन वो कर सकती है, ये कर सकती है तो और बहुत सारी बातें जो है वो कर सकती है। तो ऐसी रूहें भी हैं और आप जो हैं स्पिरिचुअली तौर पर इन तरह इस तरह से भी बीमार हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं अगर किसी के जैसे कहते हैं जी किसी जगह पर बॉडी किसी हिस्से में दर्द होता है तो वो कोई फिजिकल बीमारी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मैं ब्रिस्टल में था तो वहां एंग्लिकन चर्च में मैं उनकी हेल्प किया करता था तो वहां एक विकर था। मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि लोग बहुत सारे फिर लोगों को जानते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो विकर जो था वो जब भी कलाम सुनाने के लिए वो खुदा का खादम आगे जब वो बाइबल खोलता और जब वो बोलता तो ठीक उस वक्त जब उसने कलाम सुनाना खुशखबरी सुनानी है तो उस वक्त उसकी कमर में इतनी दर्द भर जाती कि वो खड़ा नहीं हो सकता। अगर उसने 15 मिनट लेने हैं तो 5 मिनट में वो जल्दी जल्दी जो उसने बताना बता के और वो बेचारा बैठ जाता, उसकी दर्द भी बंद हो जाती। हमारे घर आया हुआ था और एक दिन हमारे घर उसने विजिट किया तो अचानक से मैंने तो वैसे ही दुआ जैसे खादम मिलते हैं तो जब रुखसत होते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, चले दुआ करते हैं, दुआ करना शुरू की तो वो एकदम से चीखना शुरू हो गया। उसकी चीखें अलग, वो खुदा का खादम कॉलर लगाया हुआ मेरे घर में बैठा होता, उसकी चीखें की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मेरा ख्याल है कि पूरी गली में सुनी गई। और जब मैंने दुआ शुरू की तो उसने चीखना शुरू किया, फिर मैंने और दुआ की और दुआ की, 10-15 मिनट दुआ में लगाए तो वो चीज जो थी जिसने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था बीमार किया हुआ था वो चीखे मार कर उसमें से निकल गई। और उसके बाद आज तक उस शख्स को कभी वो दर्द नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमनी है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं कि ये जो बुरी रूहें हैं बदरूहें नपाक रूहें हैं ये आपको बीमार कर सकती हैं। ये स्पिरिचुअली तौर पर आप बीमार होते हैं, ये रूहानी जुमरे में आता है। और आप फिजिकली तौर पर बीमार हो सकते हैं, आपको जिस्मानी तौर पर भी जो है वो बीमारियां लग जाती हैं जिनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं जो स्पेशली जो मेडिकल के हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में पता है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है और जो है वो फिजिकल हीलिंग होती है। बस अब ऐसा होता है कि जब हम दुआ के लिए जाते हैं चर्च में, ये लोगों के डिसअपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब चर्च में आते फॉर एग्जांपल अगर आप पास नोबल के पास आए हैं एक ईमान लेकर के जी कि यहां दवा होती है चर्च लगता है बात होते हैं यहां मुझे शिफा मिल जाएगी, अब खादम के पास फिजिकल हीलिंग का यानी जिस्मानी हीलिंग का गिफ्ट नहीं है और उसके पास सिर्फ किसका गिफ्ट है स्पिरिचुअल हीलिंग का यानी जो रूहानी तौर पर किसी रूह ने आपको बीमार किया हुआ है,
तो वो आप शिफा पा जाएंगे। अगर आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए तो आप शिफा नहीं पाएंगे, और लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जी हम तो दूसरों को मिल गई, हमें नहीं मिली। अब देखिए 50 लोग अगर सामने, जब अपील की जाती है 50 लोग अगर सामने दुआ के लिए आए हैं तो उनमें से 10 को शिफा मिल जाती है, बाकी को नहीं मिली 40 को। इसका क्या मतलब हुआ कि 40 लोग जो थे फिजिकल तौर पर बीमार हैं, और जो 10 लोग थे वो क्या हैं, स्पिरिचुअली बीमार हैं, रूहानी तौर पर बीमार थे, और उनको ऊपर जो बदरों का कब्जा था वो खत्म हो गया और वो शिफा पा गए। लेकिन यीशु मसीह जो है वो दोनों तरह की जो हीलिंग है उसमें वो अभूर रखते थे। हम ये देखते हैं कि उन लोगों को भी जो बदरू गिरफ्तार थे, उनकी वजह से बीमार थे, उनको भी अच्छा किया गया, और जो वैसे बीमार थे उनको भी अच्छा किया गया, क्योंकि यीशु मसीह तो मुर्दों को भी जिंदा करते थे। हालेलुया। फिर हम जंप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है उसने उनसे कहा कि आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें। ये मैं 37, 38 और 39 आयत जो है वो आपके सामने पढ़ूंगा, मरकुस की इंजील उसका पहला बाब। हालेलुया। यीशु मसीह ने तजवीज दी कि हम आसपास के दूसरे इलाकों में भी चलते हैं, यहाँ जहां जाकर भी मनादी करते हैं, शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मनादी करूं। तो यीशु मसीह की मनादी का जो स्टाइल था, जो तरीकाकार था, वो ये था कि वो बदरूहों को भी निकालते थे, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। वो किस लिए आया है? इसलिए कि वो बीमारों को अच्छा करे, मुर्दों को जिंदा करे, बदरूहों को निकाले, किसी भी किस्म के बदरू क्यों ना हो वो निकाले। और वो तमाम गलील में उनके बातखानों में जा जा कर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। वो मनादी करता रहा जा जा कर बातखानों में और बदरूहों को निकालता रहा। और हमारे दरमियान ये काम जो है वो रुका हुआ है। हम जो है इस तरह का काम अब कर नहीं रहे। हमारे लिए जो है बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई हैं। हमें अपने लिए जो है वो कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। अगर हम देखें मरकज की अंजील, अब ये काम यहाँ रुका नहीं है। मरकज की अंजील को हम फॉलो कर लेते हैं, आखिरी बाब में चले जाते हैं जिसमें 14वीं आय से हम पढ़ेंगे। मरकज की अंजील उसका आखिरी बाब 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर वह उन 11 को भी जो खाना खाने बैठे थे, यानी ये जो वाक्या है ये मसीह की मसलूबियत के बाद जिंदा होने के बाद का है, और ये मैंने क्यों बोला है ये मैं अभी बताता हूँ। और उसने उनकी बेत का दी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। उनको भेजा गया, यीशु मसीह ने और भी शागिर्द 70-70 करके भेजे, और भी शागिर्द भेजे थे, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अब यहां पर गौर करना कि ये मनादी का हिस्सा है, उनको ईमान की तरफ रागब करना, उनको ईमान यीशु मसीह पर लाने के लिए जो है वो खुशखबरी सुनाना, ताकि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और उनको बपतिस्मा के लिए कायल करना। इस पर भी हम बड़ी मनादी करते हैं, ईमान पर, कबूलियत पर, निजात पर, ये सारी बातें जो है हम बड़ी करते हैं। फिर जब कहते हैं 17 में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। करेगा कौन मौजे? करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उनके दरमियान ये वो मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। पहली बार जब मनादी शुरू होगी तो वो मेरे नाम से, नाम यीशु का होगा, नाम का मतलब है अथॉरिटी यीशु की होगी, वो यीशु के नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई जबाने बोलेंगे। हम नई नई जबाने भी बोलते हैं, इसकी मुखालफत नहीं करते। बहुत सारे चर्च ना बपतिस्मे की करते हैं, ना ईमान ना निजात, लेकिन बदरूहों की जब बात आती है तो ये बातें हमारे अंदर से कलीसियाओं से खत्म हो गई हैं, और इसलिए हमारे लोग जो हैं वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। वो लोग जो हैं उनका किरदार जो है वो बड़ा एक डिफरेंट सा हो गया है, वो किसी और तरफ जो है। जब ये फैसिलिटी जो है हमें अपने चर्चेस में नहीं मिलेगी, जब ये फैसिलिटी ये हमने स्किप कर दी है, ये नहीं मिलेगी, तो फिर जो लोग हैं वो दूसरी तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, दबड्डे चढ़ाते हैं, कुर्बानियां चढ़ाते हैं, और क्रिस्टल बॉल में देखने के लिए जाते हैं, फ्यूचर दरियाफ्त करने के लिए जाते हैं, तोते से फाइल निकलवाते हैं, और फालगिरी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं। और मेरे अजीजों, आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर वो इतने पावरफुल हों तो वो रोड पर क्यों बैठे हैं?
वो जो तोता एक लेकर मैं कल 10-15 हजार का तोता आ जाता है पाकिस्तान में आजकल, शायद इसके ज्यादा मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर रहते, बट एनीवे वो एक तोता लेके बैठा हुआ है, चंद वो कार्ड बना के बैठा हुआ है। अगर उसकी किस्मत तोते ने निकालनी है, उसके अंदर कोई पावर है, जो कोई चीज है, जो कुछ बात है, तो वो बेचारा उधर क्यों बैठा हुआ है? जो लोग क्रिस्टल बॉल में देखकर आपका फ्यूचर बताते हैं और थोड़े थोड़े पैसे लेकर, मेरे जीजो जरा गौर करें, क्या उनके पास कोई पावर है? उनके पास कोई पावर नहीं है। जो मजारों पर बैठे हुए हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, उनके पास क्या पावर है? वो खाना मांग कर खाते हैं। जरा अपनी अकल पर तो यार थोड़ा देख लिया करें, क्योंकि हम तो बिल्कुल जो है वो नादान हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल अकल से खाली हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जरूरियात बड़ी है। अगर किसी औरत के बच्चे नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि ये किसी बदरू का काम भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्वस जो है हमने चर्च से जो है वो स्किप कर दी हुई है, ये इसको डील नहीं किया जा रहा वाइडली, इसलिए वो लोग जो उनकी तरफ माइल होते हैं। तो इसलिए मैं चर्चेस को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपने चर्च में इस मनादी को जो यीशु ने हुक्म दिया, जो यीशु की मनादी का हिस्सा था, इसको बहाल करें, ग्रुप बनाएं दुआ के लिए, चर्च में ग्रुप बनाएं जो ऐसी चीजों को टैकल करें, और ये बड़ा जरूरी है, और खादम जो इसको लीड करे और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की जाए, ताकि लोग दूसरे की तरफ माइल ना हो। हालेलुया। और ये बड़ा जरूरी है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि फिर हम क्या करेंगे कि हम यीशु के जो नमूना है उसको हम फॉलो करते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जादूगरी करते हैं, चर्चेज में भी करते हैं, और हमने देखा कि पुराने हदनामा में भी ऐसे लोग थे, नए हदनामा में भी ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में मिलता है। इमाल की किताब निकालें और उसमें देखें सातवां बाब, बल्कि 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम देखते हैं, और खुदा पलूस के हाथों से खास खास मौजे दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, बाज यहूदी यानी उस दौर में मौजूद थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पलूस मनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं, और परस्क्वा यहूदी सरदार कहन के सात बेटे ऐसा ही किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पलूस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। अब हमने देखा कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम बेफायदा लेते हैं, उनको फायदा होने वाला नहीं है, और हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बात को इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चर्चेज में भी आपको मिल जाएंगे, चर्चेज में आपको मिल जाएंगे, और आखिर में क्या होगा कि लोग क्या बोलेंगे, ये सुमसी को कहेंगे कि आए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से ये बड़े बड़े काम नहीं किए? क्या लेकिन ये सुमसी का जवाब क्या होगा? हमने कभी सोचा कि यीशु मसीह उनको जवाब क्या देगा? यीशु मसीह उनको जवाब देगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं थी। लोग दावा करेंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन यीशु मसीह उनको ये जवाब देंगे कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं थी। अगर आप देखना चाहते हैं मत्ती की इंजील सातवां बाब और उसकी 22-24 आप पढ़ के देख लें, क्योंकि आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, चर्चेज में मिलेंगे, कन्वेंशनों में मिलेंगे। ये बात याद रखें, क्योंकि ये मैंने इसलिए हवाले आपको दिए हैं ताकि आप थोड़े जजमेंटल भी हों, ताकि देखें कि लोग जो हैं वो किस तरह से चलते हैं, क्योंकि आप उनके फलों से पहचानेंगे उनको कि ये खादम कैसे हैं। अच्छा दरख्त अच्छा बुरा दरख्त जो है बुरा फल लाता है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखे जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे 20वीं आदमी आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? ये मनादी का ईसा है।
और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, यानी वो क्लेम करेंगे मनादी को, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारों मेरे पास से चले जाओ, चूंकि उनके अंदर बदकारी की रूप आई जाती है। तख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर वो खादम ऐसा है तो उसको आप दावत ना दें, ना उसको कहें कि वो आपके ऊपर हाथ रख कर दुआ करे, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। तो आज हमने देखा है मसीही तालीम जो है वो क्या है। मसीह ने जो मनादी शुरू की, तो हम देखते हैं कि बदरूहों को निकालना शैतान के जो एजेंट हैं, शैतान को कभी नहीं निकाला, ना वो निकाला जा सकता है, क्योंकि इस वाहिद है, इसमें वाहिद है, वो अपनी जगह पर खुदा के साथ डील करता है। कभी आपने देखा कि खुदा ने शैतान को कुछ कहा हो, कभी आपने देखा शैतान को मसीह ने डांटा हो, लेकिन ये जो बदरूह हैं, जो उसके एजेंट हैं, हम इनकी और इसकी तफसील से अगली स्टडी में देखेंगे। तो हमने आज देखा कि मसीही तालीम जो है वो यही है कि ये मनादी का हिस्सा है, ये खुशखबरी का हिस्सा है बदरूहों को निकालना। अब बदरूहें जो हैं ये तीन तरह का मैंने जिक्र किया है कि नपाक रूह है, बद रूह है और बुरी रूह है, और ये तीनों मिलकर जो हैं ये अलग अलग हैं, ये बात याद रखें, और ये तीनों मिलकर जो यूनिटी में काम करती हैं और चर्चेज में काम करती हैं। और हम ये देखेंगे अपने इर्द गिर्द में देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से वाले होते हैं, ड्रग लेने वाले होते हैं और बुराइयां करने वाले होते हैं। तो ये सारी की चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली अपने आप से नहीं आती, इंसान परफेक्टली बनाया गया, जब वो पैदा होता है ऐसा नहीं होता, लेकिन बाद में उसमें किरदार जो है वो शैतान जो है वो भरता है, और वो किरदार जो है वो बुरी रूह, नपाक रूह और इस तरह की जो रूहें हैं वो अपना काम करती हैं। तो मेरे अजीज़ो, हमें यीशु मसीह का बनाया हुआ जो पैटर्न है, जो मनादी का, उसको फॉलो करना है। और इसके बाद हम अगले स्टडी में हम देखेंगे कि लोगों का किरदार जो है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करूँगा इस चैलेंज के साथ कि अगर आपने अपने चर्च में ये स्किप कर दिया हुआ है, इस मनादी को नहीं शुरू किया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शुरू करें, ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिले, ताकि वो दूसरे लोगों के पास ना जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही बाबरकत, खूबसूरत पैगाम। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें इसके लिए दो सेशन चाहिए होंगे, बल्कि उससे ज्यादा भी चाहिए, तो हम इसको जारी सारी रखेंगे नेक्स्ट सिटिंग में। कल फ्राइडे को आपको मालूम है कि पादरी गिलबर्ट डेविड भी हम खुदाम का पाक कलाम लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के हवाले से हम खूबसूरत पैगाम जो है वो आपके साथ बांटेंगे। मैं जाते जाते सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तो हमारी जो चर्च की वेबसाइट है, आप जरूर उसको विजिट करें। अभी हमने न्यूली इसको लॉन्च किया है, hestonasianunitedreformedchurch.org। ये हमारी चर्च की वेबसाइट है, www.haurc.org। और चर्च का जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 इंग्लिश में और 2 उर्दू हिंदी में हम की बात करते हैं। और फिर 20 अगस्त को एक ओपन एयर में जो हम रोड शो कर रहे हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल रोड शो, और उसका थीम है स्टैंड फॉर क्राइस्ट। तो आइए खुदा के लिए खड़े हों। 11 to 6 तक ये प्रोग्राम होगा ट्रीटी सेंटर हंसलो में, तो आप जरूर में ज्वाइन कीजिएगा 20 अगस्त को, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तो आइए हम दुआ मांगें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ा अच्छा ये सब्जेक्ट था और बड़ी खूबसूरती पाई सब आपने इसको कवर किया है। अगर चाहे टाइम जो है हमारा बहुत कोशिश की मैंने कि 35-40 में ये जो सेशन है इसको कंक्लूड किया जाए, लेकिन जो गीत वगैरह भी थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की बरकत चाहें। खुदा पा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साइश करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, जिन्हें खुदा उन तेरी बातें तेरे रूह की हिदायत से हम तक पहुंचाई हैं। खुदा उन तुमने बड़ी बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, जो लोग भी है खुदा उन इस गुनाह में मुबतला हैं, खुदा उन तुझसे दूर हैं, खुदा उन तुम आपत रखे जादू मंत्र को उनकी जिंदगी से दूर कर, हलीमी फरोतिन की सारी की रू दे, और पैर खुदा उन ईमान की मजबूती ताफरमा, हम सबको बड़ी बरकत दे। हम बीमारों, यतीमों, लाचारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, अपने सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, बाकी वक्त में तुम्हारे साथ हो, आज का तमाम दिन तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी फरमा, यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर में हो, हमारे रोज रोटी आज अपने और हमको माफ कर दे, माफ कर आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही को दे।
खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा का पुशाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू जी, भाई साहब खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बरकत दे भाई साहब। और कल सुबह आपसे 9 बजे मुलाकात होगी एक नए मजमून के साथ, और खुदा के खादिम पादरी गिलबर्ट साहब के साथ हम होंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और पादरी महबूब साहब को। खुदा आप सबके साथ खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।